अबे भाई बे भाई दे दो साहब, दो दिन से कुछ दिखाया साहब। अबे भाई नहीं, हाथ लगा यार गाड़ी पे। नहीं नहीं गन गंदी के, अड़ो अड़ो अड़ो, जाओ 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 जाओ। हाथ कैसे लगा रहे हो तुम, गाड़ी को नहीं लगाओ यार हाथ। तुम लोग ना अपनी औकात में ना करो, निकल निकले छोड़। उस्ताद दो दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं करो, हटा हाथ। अजीब बंदे अल्लाह की कसम। क्या हुआ मोनू, तू ठीक तो है? हाँ यार ठीक हूँ। अबे भाई तूने पत्थर क्यों नहीं मारा उसकी गाड़ी को? यार ये बड़े लोग जो है ना, इनके नीचे अगर दबके नहीं लिया जाए ना तो ये हमें जीने नहीं देंगे माशरे में। ये तो है यार, कल काम पे लगते हैं फिर मालिक को डांट खानी पड़ेगी। ये क्या है उस्ताद, कोई देता ही नहीं है, लोग भगा देते हैं, मारते हैं उस्ताद। तो इसका मैं क्या करूं उस्ताद, बड़ी मेहनत से लाया हूं उस्ताद। तेरा बिस्तर बोरी बांधना पड़ेगा और तुझे गांव भेजना पड़ेगा उस्ताद। लोग भगा देते हैं उस्ताद, बड़ी मेहनत करता हूं। ऐसा नहीं चलेगा, अब कल से तू सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। और मुझे 2500 रुपए चाहिए। ठीक है उस्ताद। क्या ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुझे गांव भेज दूंगा। नहीं उस्ताद, मैं बचपन से यही काम करता रहा उस्ताद, एक टांग भी टूटी है उस्ताद, यही किया है उस्ताद, ऐसा नहीं करो उस्ताद, प्लीज उस्ताद, उस्ताद नहीं करो उस्ताद। कल सुबह 6 से 12 बजे तक रात, और 2500 रुपए सही है, जा। साहब भूख लगी है, साहब खाने के लिए कुछ दे दो साहब। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, इसकी कोई वजह बताओ। साहब मेरी एक टांग टूटी हुई है साहब, भूख लग रही है साहब, कुछ खाने के लिए दे दो साहब प्लीज साहब। देखो टांग टूटना कोई बहाना नहीं है साहब, साहब बचपन से भीख मांगी है साहब, बचपन से ही। देखो इंसान के हाथ में होता है, या तो इंसान अपना हाथ मांगने वाला रखे या अपना हाथ देने वाला रखे, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा रास्ता अपनाते हो। मैं कल दोबारा आऊँगा तुमसे पूछने और देखते तुम कौन सा रास्ता अपनाते हो। ठीक है साहब। यार साहब सही तो कह के गए कि मैं कब तक लोगों से ऐसे जलील होते रहूँगा, कब तक लोगों से ऐसे गालियाँ खाता रहूँगा और कब तक ऐसे भूखा रहूँगा। मुझे अपने लिए कुछ करना होगा, साहब की बात पे अमल करके कुछ अच्छा काम करना होगा ताकि मैं अपने आगे की लाइफ बना सकूँ। सलाम साहब, साहब माला लाया हूँ साहब। अरे ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? साहब रात भर घर के भाई पीछे जो है ना मेरे जंगल है, वहाँ से ये तोड़े और माला बनाई है साहब। मजे की बात साहब ये कि मार्केट में 50 का है, मैं 20 का बेच रहा हूँ साहब। सर दिखाओ जरा। चलो मतलब मेरी कल वाली बात का तो मैं कोई असर हुआ जी साहब। चलो ठीक है, एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो जी साहब, और भीख भी मांगना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम ये काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया साहब। सही है, भीख भी मांगना, यही काम करना। ठीक है साहब, सलाम साहब। ठीक है जाओ। यार ये फूल कितने के दिए? अरे साहब आप तुम मुझे जानते हो? जी साहब मैं वही हूँ जो सिग्नल पे भीख मांगा करता था, आपने मेरी को सीधी राह दिखाई और मेरी जिंदगी तब्दील कर दी साहब। हाँ हाँ हाँ, तो तुम इस दुकान पे काम कर रहे हो? नहीं साहब, ये छोटी सी मेरी दुकान है साहब। अच्छा तुमने अपनी दुकान कर ली? साहब बस आपकी की मेहरबानी, अगर आप उस दिन मुझे सीधी राह नहीं दिखा रहे तो आज भी मैं भीख मांग रहा होता साहब। वो अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ ये वाला फूल ये कितने का है साहब? ये मेरी तरफ से तोहफा है साहब। नहीं नहीं तुम्हें पता है कि मैं कोई भी चीज़ जो है ना मुफ्त में नहीं खरीदा करता। नहीं साहब ये आपको रखना पड़ेगा साहब, क्योंकि साहब उस दिन अगर आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होता और आज भी भीख मांग रहा होता साहब। अच्छा यार मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी साहब, बहुत शुक्रिया साहब।